हेलो फ्रेंड, आज हम वेज पुलाव बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 2 गिलास बासमती चावल लिए और उसे अच्छी तरह से धोकर छलनी में छान कर रख दिए हैं। और यहाँ पर कुछ हरी सब्जियाँ लिए हैं कटी हुई। अब हम कढ़ाई में तेल को गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें खड़ा गर्म मसाला डालेंगे, जीरा डालेंगे, 2 तेज़पत्ता डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे कटी हुई, बीन्स डालेंगे कटी हुई और 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद हम गाजर डालेंगे, प्याज डालेंगे कटी हुई और इसे भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें चावल को भी डाल देंगे, चावल को भी 2 से 3 मिनट तक भूनना है। हमारा चावल जब भुना जाएगा तो उसमें पानी को डालेंगे। हमारा चावल 2 गिलास था तो हम पानी 4 गिलास लेंगे, हमें पानी दोगुना लेना है। इसके बाद हम मटर को भी डाल देंगे। हरा मटर को डालने के बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक को भी डालने के बाद इसे पानी में अच्छी तरह से चला देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसे कवर करके छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पानी अभी भी है, इसे और 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा पुलाव।